देख सकते हैं आज साइरस मिस्त्री जी का श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। वर्कर लोग जो स्टाफ लोग हैं वो लोग मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का नज़ारा है, देख सकते हैं। साढ़े तीन से चार बजे का अंदर बॉम्बे से मोटामोटी 140 किलोमीटर डिस्टेंस का पीछे है, मतलब अहमदाबाद से बॉम्बे लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। मिस्टर साइरस मिस्त्री उनका एक फ्रेंड और बाकी एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर उनका एक हस्बैंड, चार मतलब था उसमें गाड़ी में। तो दोनों लेडी गाड़ी चला रहा था, साथ में बाई साइड में उनका हस्बैंड था और मिस्टर मिस्त्री सब पीछे था, उनका एक फ्रेंड था। एक रोड सामने एक रोड में इंटरलॉकिंग में वो रोड का लेन डिवाइडेड में जो जितना भी खबर में स्पॉट में आया है तीन लेन से अचानक को दो लेन हुआ है, मतलब तीन से दो हुआ है। तो गाड़ी का स्पीड भी था बहुत कम थी, 130-130 ऐसा कुछ बता रहा है, गाड़ी को ब्लॉक देखे पता चला। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो गाड़ी क्या कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, तो जाके डिवाइडर में हिट होने के बाद एज पर न्यूज साइरस मिस्त्री साहब उधर स्पॉट ही डेड हो गया। उनका साथ में जो फ्रेंड था शायद उधर में थोड़ा बहुत था उस टाइम पल्स होगा, बाकी दोनों इंजोर था, पल्स तो ठीक ठाक था। चारों पाला के लोकल हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है लोकल उसमें ले गया, बाकी दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है और इन दोनों को स्पॉट ले सकते, यही है हिस्ट्री। तो इसका के लिए कम्युनिकेशन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसका इमीडिएट 3-4 घंटा में ऑफिशियली कम्युनिकेशन हुआ, साइट कॉल ऑफिशियली बंद करके बोला गया है। और आज अर्ली इन द मॉर्निंग में बोला है थोड़ा सा उनका शोक ज्ञापन जो बोलता है वो थोड़ा सा सबके लिए। देखिए इतना बड़ा ग्रुप सपोर्टिव पालोंगी है, इज द वन ऑफ द मेंबर फैमिली है उनका, फैमिली में इज द एकदम छोटा छोटा भाई। तो साइरस मिस्त्री साहब में बोलने के लिए अभी 4 घंटा लगेगा, तो इतना तो ठीक है, सबको थोड़ा बहुत आजकल इंटरनेट का जमाना में सब पता है। मेन चीज है वो जो कंपनी बोर्ड ऑफ मेंबर जो होता है मालिक लोग का, इसमें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें जो डायरेक्टर होता है इज वन ऑफ द डायरेक्टर, पर्सनल नाम में उनका जो एसेट है बाकी कंपनी का जो एसेट है सबका नाम के इक्वालिटी। तो हम लोग को बोलते हैं ना हम लोग सपोर्टिव फैमिली, जैसा हेड ऑफ फैमिली में कोई किसी का एक्सीडेंट होने का बाद जैसा मन दुखी हो जाता है, तो सेम चीज हम लोग का सबको हुआ है। इसमें 2-3 चीज थोड़ा लेसनेबल है, मतलब सीखने का है। एक तो इनका उम्र हुआ नैरो बर 54, मतलब अभी जो डेट ऑफ बर्थ से जो जितना पता चल रहा है, तो इतना कम उम्र में सडन एक्सीडेंट में रियली पेनफुल है, मेन पेनफुल है। इतना कम उम्र में इस अनटाइमली डेट में सडन एक्सीडेंट में कोई डिजीज होगा कुछ होगा कुछ चला जाता है तो अलग बात है, तो डीपली हम लोग रियली दुखी है हम लोग सब। नंबर टू है देखिए ये यूनिवर्स में है ये वर्ल्ड में है, सब आएगा सबको एक दिन जाना पड़ेगा। किसी का नॉर्मल जाना है तो उसमें ठीक है उसमें भी पेनफुल है लेकिन थोड़ा बहुत 3-4 महीना पहले उनका डैडी भी एक्सपायर कर गया था, लेकिन ही वाज क्वाइट एजेड उनका बहुत हुआ था, वो भी पेनफुल है लेकिन सब लोग मोटा मोटी मेंटली प्रिपेयर, इनका बारे में कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं। दो लेसन लर्न्ड है, एक देखिए जो अभी खबर आ रहा है गाड़ी में उनका आगे जो बंदा था जो सीट बेल्ट में था पीछे दोनों ने सीट बेल्ट में नहीं था, गाड़ी हाईफाई गाड़ी था उसमें एयर बैग फैसिलिटीज था, सेफ्टी 100% था, लेकिन पीछे वाला सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से जो इंटरलॉकिंग पीरियड है बेलून जो है एयर बैग जो खुला नहीं अभी है, इन्वेस्टिगेशन में सफल है। उनका जो सोच है कंपनी का बहुत ही जो आगे लेके जाने का है, तो अभी हम लोग का जिम्मेदारी आज बहुत बड़ी है, मतलब जो हम लोग फैमिली में अटैच है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का सबका है, नॉट ओनली उनका फैमिली तो है ही है, वी आर मेंबर ऑफ सपोर्टिव पालनजी जो उनका कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर आप भी काम कर रहे हैं, वी ऑल आर पार्ट, तो हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका जो बिजनेस का सोच जो अच्छा सोचता उसको आगे लेके बिजनेस को रन करें। तो ये क्या हुआ एक्चुअल उनका जो जो श्रद्धा जो है भलोसा जो है वो हम लोग को मेरा विरोध है यही है मोटा मोटी।